वचन कही कोई आन मिलाव माए संत सहाई प्रेम के और दिन कहलाका पाए फिर सब को सुख पाइए तुझे नहीं जाए जिन्हें चाग्या प्रेम रस से तृप्त रहे आप त्याग विनती कर ले हो प्रभु लड़ लाए जो हर कंत मिलाया से बिछड़ कदे ना जाए प्रभु गण दूजा को नहीं नानक हर शरण आए असो सुखी वसंदिया जिना मैं हर राय प्रभु दूजा को नहीं नानक हर शरण आए असो सुखी वसंदिया जिना मैं हर राय दरबार विच सुशोभित हो रही गुरबाणी सरवण कर रही
इन्हें जो गुरु कोई विद्वान पंडित जिसने बहुत ग्रंथ पढ़े विद्या पढ़ी है ये भी महाराज की शरण में आया। बेनती की महाराज विद्या बड़ी पढ़ी है ग्रंथ बड़े पढ़े ने पर मेरी विद्या को सुनता कोई नहीं है ग्रंथा को सुनता कोई नहीं। उसका कारण यह है मेरी आवाज के विच बहुता रस नहीं है जो मैं बोलता तो बहुता आनंद नहीं आता तो लोग उठ के चले जाते। जे आप जी मैं थोड़ा समा दे दो मैं वेद शास्त्र का वचन चंगा वचन संगत में करा संगत का भी भला हो महाराज मेरी उपजीविका बन जाएगी। गुरु अर्जन देव महाराज साहब जी इसकी भावना देखद्या हो महाराज ने वचन किए कह लगे ठीक है संगत में आया करो शास्त्र का वचन जोड़ा वो संगत को सरवण करवाओ करता रहा संगत सरवण करनी है। कोई दिन लंघ है एक दिन ये मन में विचार बन गई जब किसी नाल विद्वान ने यह गल कह दी इन्नी विद्या तू पढ़ के ते फिर भी गुरु पातशाह के कोल बैठ के थले बैठ के कथा ध्यान करता तैनू माया घट मिलती है गुरु को माया बहुती मिलती है। ऐसा गलों में आके इसने महाराज के दरबार में आने मन कर दिता। गुरु पातशाह ने सिख भेज दिते जाओ लैके आओ पर इसने जवाब दिता उत्तर दे दिता कह लगा नहीं मैं या तो मेनू सारा कुछ दिता जाए नहीं तो मैं कुछ नहीं करा। जो ऐसी इसकी मनशा लिखी तो फिर सिखा ने बेनती की महाराज आप जी गुरबाणी का एडा वाला बोहे थ जहाज तैयार कर रहे हो गुरबाणी आप जी उच्चारण कर दे कृपा करके ना मेहनिया का भी उपदेश बख्शिश कर देव असि घर बैठे हाँ गुरबाणी पढ़ सकी सुन सकी विचार सकी ताकि सानू इस तरह की खजल कुआरी में ना गुजरना पवे। गुरु अर्जन देव पातशाह सुन के वचन पवित्र धरती अमृत सरती के महाराज बैठे सन अमृत सरोवर जिस विच आपां इशनान करदे आं श्री हरिमंदर साहिब जाके इस सरोवर दीआं परिक्रमां दे बार बार महाराज बैठे हुए ये गुरबाणी महाराज ने बारह माह इस बाणी का नाम है बारह गिनती है माह महीने ने बारह महीनों की गिनती का उपदेश महाराज ने यह सानू बख्शिश किया। अज जिहड़ा सानू महीना असू का प्राप्त हुआ उहदे परथाए महाराज बख्शिश करदे सुन प्रेम बख्शिश करदे कह लगे असू के महीने जिहड़े जग्यासू ने गुरमुख ने उन्होंने प्यार का उबाड़ा पैदा होया उत्साह पैदा होया उन्होंने अंदर बहुत ज्यादा ही उत्साह पैदा होया भी परमात्मा किवें मिलिए क्यों मिलिए किस तरह मिलिया जाए वो किहड़ा तरीका कोई जन हर सिउ देवै जो रब दे नाल कोई मिलावे तरीका दसे कोई रब की बात सुनावे कोई गल सुनावे मेरे प्रीतम की कोई हर बात सुनावे कोई रब जी मैनू गल सुनावे कोई तरीका दसे जिदे नाल परमात्मा नूं मिल सका। साडा भी गुरमुखो इह सवाल है गुरु दर ते किवें प्रवान होईए गुरु की प्राप्ति किवें होवे गुरु की खुशी किवें मिले। सतगुरु इत्थे बख्शिश करदे असुर प्रेम माड़ा असू दे महीने अंदर जिन्हां दे अंदर प्रेम का उत्साह पैदा होया बलबला पैदा होया ते सतगुरु पातशाह कहण लगे क्यों मिलिए हर जाए जो सारिया जगह से बराजिया होया परमात्मा किवें मिलया जा सके किहड़ा तरीका है किस तरह मिल सकते मन के अंदर तन के अंदर घड़ी प्यास लगी है घना शब्द बहुता बहुती प्यास लगी है मन भी लोचता है मन भी चाहता कि मैनू परमात्मा मिल जाए तन भी चाहता है परमात्मा मिल जाए मन तन मन तन के प्यास दर्शन घड़ी दर्शनों की बहुती प्यासा लगी हुई है उस प्यासा को बुझाने वास्ते की किया जाए कोई आन मिलावे माए हे भाई कोई है यहो जिहा गुरमुख जिहड़ा आप मिलिया होवे अते सानू मिला दे सतगुरु के जन जाने सतगुरु तिसका नाओ तिसका संग सिख उधर नानक हर गुण गावे एहो जिहा कोई मिल जावे गुरमुख
भक्ति की संगत में बह के ये दर्शन की प्यास जी लगी है ये प्यास बुझ जाए और मैं गुरु की प्राप्ति वाला बन जावा गुरु वाला बन जावा। भाई अतरी जी बैठे हुए गुरु अर्जन देव पातशाह दे सिख जंगल में बैठे सिमरन दे विच गुरु को लीन है चौंकड़ा मारिया मन टिकया हुआ बाहर की हो रहा नहीं पता बिरती अंदर मुखी है अंदरों जुड़े हुए सिमरन कर दे इन्हें चिर जंगल में एक डाकू आ गया ताड़ भी लुटन वाला राजा लुटन वाला लुट कर वो डाकू नहीं जानता भी ये कौन है मथा टेकया मन में ये विचार आए भी कोई साधु ही है कोई पीर फकीर है कोई रिखी है जिहड़ा बैठा होया रब की याद डाकू ने आके धारवी ने आके मथा टेकया मथा टेक के बेनती की कह लगा मैं किसी को लुटन वास्ते जा रहा मेरी लुट मेनु वड्डी प्राप्त होवे जिन्नी मैं सोचा उसको भी वड्डा मेनु कोई एहो जिहा सबक बन जावे वड्डी लुट मिले मैं उहदे विचों अद्धी माया तुहाडे अगे लिया के रखांगा अद्धी मैं लै जावांगा। हुण चोर की अपनी भावना डाकू की अपनी भावना भावे काम पाप का करना पै पर भरोसा तो फिर भी रखता है कि ये परमेश्वर का नाम जपने वाला है यदि मन्नत मनागा तो मेरी मन्नत पूरी होगी। ऐसी बेनती करके बड़ी मोटी रकम मिले अद्धी माया तुहानू दे के अद्धी कोल रखा चला गया अपनी जगह पर लोके बैठ गया जिहड़ा रस्ता जंगल विचों लंघदा है उन्हां झाड़ियां विच लोके बैठा कोई आ जावे मैं रुक लवां ਇਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਦਾਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕੁਝ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਾਕੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਤੱਕ ਕੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਤਲਵਾਰ ਬਾਹਰ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਸਿਓ ਪਾਸਿਓ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਧਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰੇ ਬੰਦਾ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਗਹਿਣੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕੂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਡਰ ਗਿਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੁਹਾ ਕੇ ਕੋਟੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤੂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚੋਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਜਿਹਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪੂਜਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਤਰੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਦੋ ਢੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਧੇ ਗਹਿਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਧੇ ਗਹਿਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਧਾ ਧਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਧਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਢੇਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਗਹਿਣੇ ਪੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਪਈ ਹੈ ਬਸਤਰ ਪਏ ਹੋਏ
एक व्यक्ति भी बोल बैठा, पूछा भाई कौन है? कह लगा जी माया डाकू दुकान लुटता। मैं सवेरे लंघिया तुसी बैठे सी, मैं तुहाडी मदद मंगी है, चंगी रकम मिलेगी तो मैं तुहानू अद्धी देवांगा। मैं अपना बजट पूरा किया, 20,000 रुपए तुहाडे अगे रख दित्ती। जदों इह वचन आख्या तो उस वेले गुरु का सिख बाणी पढ़ने वाला कहन लगा भी ये बड़ा वड्डा पाप किया, बहुत वड्डा तू पाप किया। तन दे कपड़े लवा लै, गहने लवा के लै, की पता कि मुसीबत विच पै के कितना कर्जा चुक के कितनी मशक्कत करके किसी ने अपने धी का डोला तोड़ना, तू के मासा जिनी भी दया नहीं आई तरस दी है। ये बड़ा वड्डा पाप किया, इस पाप की तेनू सजा मिले। जो ये वचन किया भज के चरण फड़ लै, कह लगा शराब नापी दे दे, मन में डर है उसके मन तो मन के गया तो पूरी हुई है, जिसकी मन्नत मनिया पूरी हो सकती उसका शराब क्यों नहीं पूरा हो। भज के चरण फड़े, मैनू माफ कर लो, कह लगे माफी तां है जितों लुट के आया पहला उन्होंने वापस करके आ, माफी मांग के आ, फिर तेरे नाल अगला वचन करांगे। उस वेले सब कुछ समेटिया, वो मेल बेचारा हले जंगल में ही बैठा, झूठते पै रुदे पै, साडे नाल की होया? सब कुछ जाके उन्होंने दिता, माफी मंग ली, मेरे को गलती हो गई है, मैनू बद शीसा ना दिओ, मैं भड़क गया सी, मैनू माफ कर दिओ। इन्नी गल कह के ते वापस आ गया जिथे गुरु का सिख बैठा हो, देखिया भी ये बड़ी करनी वाले, दो लालच है ही नहीं, सोना वेख के माया वेख के कपड़ा वेख के मासा जिन्ना भी मान लिया उन्हें गवाए मान नहीं होया, लोभ नहीं आया। ये कोई पूरी करने वाला संत है, चरण फड़दा है, मैनू अपना पक्का दास बना लो, पक्का ही सेवक बना लो, मैं तुहाडे कोल ही रवा करांगा, तुहाडी सेवा करांगा। ते गुरु के सिख ने आख्या, कहन लगा मैं दास बनाउण वाला कौन आ, मैं ते खुद दास, मैं ते खुद हाले सेवक हाँ, मैं ते अजे आप सिखदा पिया, मैं ते सिख हाँ, मैं ते दास, मैं तैनू दास कमें बनावा। जदों ये वचन किया दोबारा फिर बेनती की, नहीं जी मेरे ते तरस करो, मैनू माफ करो, मैनू उपदेश दिओ। जदों दूजी बार ये वचन आख्या ते गुरु का सिख कहन लगा मैं गुरु अर्जन देव पातशाह दा सिख हाँ, मैं तेनू अपना दास ते नहीं बना सकता, पर अपने गुरु का दास बना सकता है, जे ऐसी भावना रखदा ते चल मेरे नाल, मैं तेनू अपने गुरु कोल लैके चला। उस वेले नाम लैके इस धाड़वी नूं डाकू नूं, नाम है लखू डाकू, लखू धाड़वी इहदा नाम है, गुरु अर्जन देव पातशाह दी शरण विच गए, जाके मता टेकिया, मता टेक के बेनती की, महाराज उपदेश दिओ, बड़े पाप कर्म किए, बड़े लोगों को लुटिया, बड़िया बदशीसा दिया, महाराज रस्ता भटक गया सी, तुहाडी शरण विच आया, कृपा कर दिओ, उपदेश दे दिओ। ते गुरु अर्जन देव महाराज साहब जिया के मुखों वचन निकलिया, कह लगे अमृत बाणी धन गुरु नानक देव पातशाह की जपजी साहब का पाठ है, तेरी जबान तो को पाठ भुलना नहीं चाहिए, हर चिते हर समय गुरबाणी का पाठ करता रह, तेरे सारे पाप माफ, गुनाह माफ हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ऐसा भरोसा, ऐसी श्रद्धा, ऐसा वचन मनना, गुरबाणी ते आपा भी पढ़ते हैं, गुरबाणी गुरु का फरमान ही है ना, गुरु का वचन, असी पढ़न तक वध तो वध सुनन तक सीमित हाँ, कमाई वाले पास जाते, पर यह सिख कमाई वाला लग पिया, कह लगा महाराज अज तो बाद इस जबान तो जो वचन निकलेगा तो बाणी का ही निकलेगा, निंदा का वचन नहीं, औगण का वचन नहीं, दुख वाला वचन कोई नहीं कहांगा। ते गुरमुखो ऐसा फिर जपजी साहब का पाठ इसने भावना के नाल श्रद्धा के नाल रोज बर रोज करना है, महाराज कह लगे कर्म कांड की बाणी जोर, जिथे होर ना कोई होर अवस्था है, हो जी बन गई कर्म खंडिया बन गया, हुण जिहड़ी गल आप करदा ना मूहे विचों पूरी हो लग पई, इह गल दा संगतां नूं पता लग गया, नेड़े नेड़े दूर दूर सारिआं नूं पता लग गया, एक सिख है उहदी गल मूंह दी पूरी हुंदी है, माइयां बीबियां इहनूं अपने घरे सद्दण लग पईआं, आओ जी साडे घरे आ के प्रशादा छको, किथे रोटी वास्ते लोकां नूं लुटदा है, डाकू बणदा है, किथे अज रोटी बना के लोक मिलदा करदे कि साडे घरे आओ,
सारे करे भोजन छको ये नाम की बरकत है ना, नाम की दात है। नाम जपन वाले को घाटा कोई नहीं, जाता है प्रशादा है छकता है। अगले की भावना पूरी होती है। एक दिन बैठिया मन में विचार आया, मैं भटकया होया उठया होया, मेनु गुरु ने सीधे रस्ते पाया, क्यों ना हुण मैं संगत नु होरां भी अपने वांग सीधे रस्ते पाव। वचन है ना, जब पारे उपकार ही आए, रब दे भगत हमेशा पार उपकार करदे, भला करदे। ते भले वास्ते फिर इन्हें ये संगत विच वचन कीता, कह लगा जिस बीबी नु जपजी साहब दा पाठ जवानी आउंदा हो, वो जवानी पाठ करके भोजन मेरा तैयार करे, ते जो मैं भोजन छका मैं जवानी पाठ सुनांगा, जिहड़ी बीबी पाठ सुनांगी भोजन उहदे घर दा खावांगा, दूजे घर दा। हुण इहदे उप्पर लोकां दी श्रद्धा, संगत दी श्रद्धा कि इहदी अरदास पूरी हुंदी है, ते सानू कोई कामना पै जावे ना काम पै जावे, फिर सानू सब कुछ याद हो जांदा। हुण सानू इह गल कह दईए ना वी आह बाणियां पाठ याद करना नहीं, टाइम ही कोई नहीं है साडे कोल। ते जदों किते पै गया काम, कि किसे बाबे ने आ दित्ता वी आह शब्द दा जाप कर, मिंटो मिंटी ओह जवानी याद हो जांदी, पढ़ना भी याद करता, टाइम भी लग पैंदा, क्योंकि काम पै गया ना, काम परे ते सिमरी है, काम पैंदा रब बड़ा याद ढाढा याद। हुण इहदे नाल लोकां नूं काम है ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। महाराज कह लगे जन पारे उपकारी है, रब दे भगत गुरमुख जेड़े ने पार उपकार करदे, मेरा भला होया मैं दूजे दा भला भी करूं। कह लगे वस्ता इहो जी बन गई, गुरु पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जीआं दे मूलक लाहौर दा सिख चल गया, इहने इटां दा आवा पाया होया, नाम है भाई बुद्धू जी। आपदा महाराज करजा चुक के घरवाली दे गहने बेच के अपना घर गिरवी रख के जमीन जायदाद गहने रख के मैं इटा का आवा पाया, मेरे ते कृपा कर दियो, मेरिया इटा पक्या निकल आन, मेरे कर्जे भी लग जाएंगे, मेरिया सारिया तमन्ना पूरिया हो जाएगी। महाराज कह लगे भाई बुद्धू जी संगत को प्रशादा छकाओ, संगत को अरदास कराओ, क्योंकि बिच संगत हर प्रभ वसै जियो, परमेश्वर वसदा संगत बिच, संगत को भोजन छकावेगा कामना जरूर पूरी होगी। पर एक वचन का ध्यान रख, प्रशादा छकन वेले कोई खाली ना जाए, कोई भुखा ना जाए, ये वचन का भी ध्यान रखना। सत वचन अपने घर में भोजन तैयार करवाया, संगत को न्योता दिता, उस संगत जी मेरे घर आके भोजन छको, सारिया संगत पहुंचिया भोजन छकिया। जो भाई लखू जी को पता लगा ना जो डाकू से, जिसनों गुरु साहब ने आख्या जपजी साहब का पाठ ना भूले, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਆਵਾ ਪਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਆਵਾ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਵੀ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਆਵਾ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਲਖੀਆ ਕੰਧ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਖੜੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਵਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਵੇਗਾ। ਵਚਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਵਾ ਪਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ,
ਜਦੋਂ ਉਸ ਭੱਠੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਗੇ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਵੇਚਿਆ, ਘਰ ਬਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਘਾਟਾ ਨਾ ਝੱਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਰਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ। ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਟਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹਿ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵਚਨ ਹੱਸ ਪੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਆ, ਵਚਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਚਨ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਚਨ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਵਚਨ ਇਹ ਹੈ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਮੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਟ ਤੇਰੀ ਕੱਚੀ ਰਹਿਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਘੁਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਪਏ, ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਖੀਆ ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਰਲਾ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਅਗਲੀ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਲੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਐਸਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਪਿਆਸ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਪਿਆਸਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਨੀ, ਕੋਈ ਆਨ ਬੁਲਾਵੇ ਮਾਏ, ਇਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਘੁਮਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਅਦਰੀ ਜੀ ਵਰਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮਾਧੋ ਹਰ ਜਨ ਦੇਹੋ ਮਿਲਾਏ, ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹਰੀ ਜਾਨ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹਉ ਤਿੰਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਸਹਾਈ, ਸੰਤ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਮ ਵੱਲੋਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਭ ਵੱਲੋਂ, ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਐਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਣਕਾ ਬੇਸਵਾ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੋਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਜਾਮਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ, ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੈ ਨਿਮਰਤ ਮਾਇ ਵਿਸਤਾਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੰਤ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌੜ ਕੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾਵੇ,
मन नु चैन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि दूजी ना ही जाए, दूजी जगह कोई है ही नहीं जिथे ऐसा आनंद प्राप्त होता है। बेनती कर आप त्याग पहला अपना हंकार छड़, पर असी नहीं छड़दे, असी ते नाम दे अगे जात पात गोत रातबा नौकरी कुर्सी सारा कुछ नाल ला के आउंदे आ कि मैं आ, ते भावे कुर्सी छड के भी आ गए, रिटायर हो गए, पर कुर्सी ते हाले भी सानू छड्या, हाले भी वो साडे नाम ते ना होना चाहीदा कि मैं फलाना हां। आप त्याग महाराज कहिंदे भी हंकार छड, पर असी ते हंकार नू भज भज के जवाब आउंदे भी मैं आ। जे असी आप कुछ नहीं ना, साडा कोई अंगली संगली कोई रिश्तेदार भी कुछ लगा होया परमात्मा ने अपने पले दे नाल जोड़ लिया है, वो कदे विछड़ेगा वो एक बचन जरूरी है। परमात्मा दे नाल बस एक बार ही मिलन की लोड़ है, दोबारा टूटन की फिर गल होगी, दोबारा टूटेगा ही नहीं ना, वो टूट देवे। ये बेनती कर भी एक बार ही जोड़ना ते फिर उहदे कोल विछड़िया नहीं जांदा। ले हो जो हर कंत मिलाइया जिन्होंने परमात्मा ने मिलाया से विछुड़ पता है ना जाए वो विछड़ के फिर अगे जूना विच नहीं जाते हैं। प्रभ वेण दूजा को नहीं नानक हर शरण आए। गुरु अर्जन ने पातशाह प्रमोदे परमात्मा तो बिना दूजा कोई नहीं है, शरण लेनी है कि गुरु की शरण प्राप्त कर, क्योंकि ओदी शरण तो बिना ना लोक दे विच ते ना परलोक दे विच तेरा किसी ने भला नहीं करना। चार पूजन के लोग कहेंगे भी हाँ बड़ा चंगा मैं तेरे नाल हाँ, पर जो कि समा संकट का आया सारे छड़ के परे हो जाते। एक परमात्मा है जो दुख के भी छड़ता नहीं और परलोक के भी वह नाल मिलता है। असूदा महीना यह सानू अज प्राप्त होया, सतगुरु पातशाह कह लगे असू के महीने में वो जीव इसत्रियां सुखी वसदियां जिन्हां दे उपर हरि परमात्मा की माया हुई है, माया नाम गुरु को कृपा, जिहदे उपर परमात्मा की कृपा हुई है उहदे वास्ते ते असू दा महीना बड़ी चढ़दी कला वाला बड़े सुख वाला, ते जिन्हें कृपा लई नहीं है कृपा नूं प्राप्त नहीं कीता उहदे वास्ते ते भावें कोई भी महीना है ते भावें कोई भी दिन है फिर दुख रूपी है, दुख की ओनू प्राप्ति होती है। महाराज कह लगे असू के महीने में वो जीव इसत्रियां सुखी वसदियां जिन्हों पर हरिहर परमेश्वर की दया है कृपा है उन्हों का भला होता। समय की समाप्ति गुरां की ख्वाबी वचन उपदेश गुरु का साढ़े हृदय वसे।